हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ट्राई के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्राई ने सभी डीटीएच और एमएसओ कंपनीज को कंसल्टेशन पेपर सबमिट करने के लिए बोला था, जिसमें बेसिकली मुद्दा ये था कि लोगों का बढ़ते बिल का टीवी बिल को किस तरीके से कम किया जाए। तो इसी के बारे में सभी डीटीएच और एमएसओ को कंसल्टेशन पेपर सबमिट करना अनिवार्य था। तो कंसल्टेशन पेपर सबमिट होने के बाद ओपन हाउस डिस्कशन हुआ है, उसमें किस मुद्दों पे बात हुई है, क्या चीजें हो सकती है फायदा ग्राहकों के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि 18 और 19 तारीख को ओपन हाउस डिस्कशन हुआ है ट्राई के ऑफिस में, और उसमें बेसिकली मुद्दा यही था कि लोगों का टीवी का बिल किस तरीके से कम किया जाए, इंडस्ट्री को किस तरीके से ग्रोथ किया जाए। तो इसी बीच ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा जी का बयान आया है कि अगले 20 से 25 दिनों में एक नया फ्रेमवर्क जारी करेंगे, जिसके जरिए लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसा आर एस शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। दोस्तों बता दूं कि कंसल्टेशन पेपर में ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन ने जो सजेशन दिया था अहम मुद्दों पे, जैसे कि अलाकाटे चैनल और बुके का जो डिस्काउंट है, एक सिमिलरिटीज होनी चाहिए। बुके और अलाकाटे के डिस्काउंट में 20-25% से ज्यादा डिस्काउंट का रेशियो नहीं होना चाहिए। इसी बीच दोस्तों मैं बता दूं कि ये भी ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन ने कहा था कि सभी डीटीएच और एमएसओ कंपनी को ₹130 में 150 चैनल देना चाहिए, जिससे ₹40 का बचत होगा कस्टमरों को। जो एडिशनल एनसीएफ फी लेते थे, ₹130 में पहले 100 चैनल मिला करता था, वही अब 130 में 150 चैनल का स्लॉट बड़े हो जाता है, यानी कि 50 चैनल एक्स्ट्रा आप चुन सकते हो, या पे चुनो या एफटीए चुनो, इट्स अप टू यू। दिस ऑल थिंग्स थे। साथ ही ये भी डिस्कशन का मुद्दा था कि लोगों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से अपने चैनल को एक्टिवेट कर सके, डीएक्टिवेट कर सके। थर्ड पार्टी ऐप का सजेशन मांगा गया था, तो बहुत सारे डीटीएच और एमएसओ ने इस बात से डिनाई करा था। ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, ट्राई ने एक मैंडेटरी करा हुआ है, जिसमें चैनल ऐड एंड ड्रॉप के लिए सभी एमएसओ और डीटीएच कंपनी को एक नंबर देना है। उस नंबर पे थ्रू मैसेज यानी कि एसएमएस करके आप पर्टिकुलर चैनल को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप अपने मर्जी से पैकेज चुन सकते हैं। ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट था, जिससे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कस्टमर जो चैनल देखना चाहता है अपने बॉक्स पे, वही चैनल्स को मैसेज करेगा अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटरों को, और वो पर्टिकुलर चैनल 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारे अहम मुद्दे थे जो ट्राई के ओपन हाउस में डिस्कशन हुए हैं, और ये सारी चीजें आपको आने वाले 1500 से 20 दिन के अंदर 100% इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, यानी कि एक बार डीटीएच और केबल टीवी में फिर से तहलका मचने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और इसका असर डीटीएच ऑपरेटरों और केबल ऑपरेटरों के ऊपर ही आएगा। अगर एनसीएफ फी में अगर कोई कमी की जाती है तो यहाँ पे केबल ऑपरेटरों को परेशानी हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन वहीं ग्राहकों का पैसा बचेगा। ये सारे ओपन हाउस का डिस्कशन था, जो कि आने वाले 20 दिन के बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।